मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। नोटबंदी जब करनी थी, मैं आपको एकदम रिसेंट एग्जांपल देता हूं, इसको बोलते हैं विल पावर की, अगर करना है तो करना है। नोटबंदी जब करनी थी तो मोदी जी ने क्या किया कि रात को 8 बजे ऐलान करके इमीडिएट उन्होंने जो है नोटबंदी कर दी। राम जो आपके आराध्य हैं और जिनका नाम लेके आप 5 बार सत्ता में आ चुके हैं, उनके लिए ऐसी निष्ठा और विल पावर क्यों नहीं दिखा रहे हो? लेकिन एक ही बताएं, अगर अगर राम मंदिर वहां पर बनना है तो फिर देरी क्यों? अगर 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 कहा जा रहा है, अगर बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, योगी जी की तरफ से कहा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? राम मंदिर वहां बनना चाहिए। अगर देरी हो रही है तो उसी बात को तो दोहराने की देरी नहीं होनी चाहिए। वहां पर राम मंदिर था, राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा, दिक्कत कुछ नहीं है। 500 ऐसे काम सारे नेताओं ने, पार्टियों ने इमीडिएट बेस पे डिसीजन लेके किया है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं नोटबंदी बता देता हूँ। विल पावर की बात है, दिक्कत सिर्फ एक है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है राम मंदिर, ये सब तो क्यों हलाल करें साहब? हर चुनाव में उससे मुझे अंडा निकलवाना है सोने का। ऐसे ही और दूसरे धर्म है, जातियां हैं, हर चुनाव में अंडा तो विजय का जो अंडा है ना, वो इसी सोने के मुर्गी से जो है वो निकलेगी। काम धेनु गाय को उसका दूध रोज पीना है सर, स्पेशली चुनाव के टाइम तो और पीना है। तो बस वही है कि अभी ये चुनावी मुद्दा शुरू हुआ है, अब देखिएगा कैसे कैसे होगा, क्या क्या चीज होगा। पूछ लेते हैं दिनेश जी, और इसीलिए कई तरह के सवाल इस पर उठ रहे हैं। जो पहला सवाल है, अयोध्या में राम मूर्ति बनाने के ऐलान से कैसा संकेत मिल रहा है, किस तरह के संकेत को समझा जाए? दूसरा जो सवाल है, राम मंदिर से पहले राम मूर्ति आखिर क्यों जरूरी है, एक बहुत ही बड़ा सवाल है। राम मंदिर पर योगी के ऐलान से क्या विपक्ष पूरी तरह से खाली हाथ हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ योगी की तरफ से कह दिया गया। राम मंदिर बने या नहीं, लेकिन चुनाव में भरी जाएगी राम की हुंकार, क्या इस तरह के कयास लगाए जा सकते हैं? क्या चुनाव तक धार्मिक आस्था फिर बनेगी सियासी खिलौना? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार जरूरी नहीं है? और जो बहुत ही अहम सवाल है कि सियासी पार्टियों के लिए राम जरूरी है या मजबूरी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे जहन में, हम सब के जहन में उठेंगे, और इसका इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली के मौके पर अयोध्या में विवादित जमीन पर बने अस्थायी राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरयू के तट पर श्री राम की मूर्ति के लिए 2 जगहें देखी गई हैं, ये मूर्ति अयोध्या की नई पहचान बनेगी। उन्होंने कहा, हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, इसके लिए डिजाइन भी देख लिया गया। हमारे साथ हैं मेहमान एके मिश्रा, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ होंगे। एके मिश्रा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दिनेश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। दिनेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले एके मिश्रा जी से एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। एके, क्या लग रहा है जो संकेत, ठीक है योगी जी अयोध्या गए, दीपोत्सव महोत्सव में उन्होंने शिरकत की, कई तरह के ऐलान किए,
लेकिन इस बीच में एक राम मूर्ति वाली बात उनकी तरफ से की गई कि राम मूर्ति, भव्य राम मूर्ति बनाई जाएगी। राम मंदिर को भी लेकर उन्होंने बहुत ही खुले तौर पर कह दिया, जितनी साफ गोई के साथ योगी जी ने पहली बार इस तरह का बयान दिया है राम मंदिर को लेकर, इतनी साफ गोई बीजेपी के कई दूसरे बड़े नेताओं के अंदर से निकल कर सामने नहीं आती। साफ उन्होंने इशारा कर दिया कि अब जो होना है अब वही होगा, राम मंदिर वहीं पर बनेगा। थोड़ा सा इस बयान को कई अब एंगल से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, क्या लग रहा है? कोई साफ गोई नहीं है, ये बयान भी बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी और बड़ा उलझन वाली है। देखिए मैं आपको बताऊं, और बड़े क्षमा और विनम्र के साथ, मेरे से ज्यादा राम में आस्था किसी की नहीं होगी। मैं आपको बताता हूं, योगी जी ने ये बोला राम मंदिर था राम मंदिर है, तो कौन सी आपने नई बात कर दी जो है? ये तो शाश्वत सत्य है, हजारों साल से हम जान रहे हैं, तो योगी जी को ये बताने की जरूरत है? दूसरी चीज ये है, राम मंदिर बनेगा, इसके पीछे एक रीजन और है, बीच में अभी कुछ और संतों का एक ऐसा ग्रुप जो हो सकता है बीजेपी से इन्फ्लुएंस ना हो, उन्होंने अगुवाई की थी और इन लोगों ने पकड़ उकड़ करके पुलिस भेज करके शायद उनको गिरफ्तार वगैरह भी करवाया था। अब देखिए चुनाव आ गया है, रही बात आस्था और निष्ठा, राम में आस्था योगी जी की भी है, सबकी है, आप दीपावली मनाइए, ये अच्छी चीज है भाई, होना चाहिए और इसमें मुझे भी खुशी है। 25 सालों में इनका मुद्दा 25 सालों से चल रहा है, 25 सालों में अगर 25 ईंट बीजेपी ने रखवाई हो तो मैं मानूंगा कि इनकी आस्था है, और आस्था के साथ साथ सच्चे दिल से इनकी निष्ठा है कि हम बनवाएंगे। नहीं तो ईंट रखवाया कैसे जा सकता है, कि थोड़ा सा आप कानूनी पहलू के हिसाब से भी तो बात करेंगे। नहीं नहीं मैं अरे आप कानूनी पहलू की बात करते हैं, मैं बता रहा हूं, अगर रखना भी चाहे। नहीं नहीं मैं बता रहा हूं, योगी जी सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट है, यहां पे भी है। अभी आप ये देखिए, अभी ये जो है एक एट्रोसिटी वाला ये सब जो वो चला था तो पूरे संसद में बिल ले आ दिया। कांग्रेस में भी आप देखिए, राजीव गांधी जी ने साहबानों के केस में पूरा बिल ले आ करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर दिया। नोटबंदी जब करनी थी, मैं आपको एकदम रिसेंट एग्जांपल देता हूं, इसको बोलते हैं विल पावर की, अगर करना है तो करना है। नोटबंदी जब करनी थी तो मोदी जी ने क्या किया कि रात को 8 बजे ऐलान करके इमीडिएट उन्होंने जो है नोटबंदी कर दी। राम जो आपके आराध्य हैं और जिनका नाम लेके आप 5 बार सत्ता में आ चुके हैं, उनके लिए ऐसी निष्ठा और विल पावर क्यों नहीं दिखा रहे हो? आपको राम मंदिर बनवाने के लिए कानून बीच में आ जाएगा, संविधान और संविधान के जितने अंग हैं, जितनी बॉडीज हैं, पालन सब करना पड़ेगा, आ जाएंगी उसका पालन एक एक करना पड़ेगा। चलिए सर, निष्ठा का जो मैं आपको बताता हूँ, नोटबंदी की तरह डिसीजन लीजिए ना, देखते हैं इस तरह का डिसीजन क्यों नहीं लिया। नोटबंदी की तरह डिसीजन लीजिए ना। दिनेश जी इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी के नेता। दिनेश जी, नोटबंदी पर इतना बड़ा फैसला लिया गया, राम मंदिर पे फैसला नहीं लेंगे, राम मंदिर नहीं है। को लेकर राम मंदिर जो सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, चुनाव से पहले सबसे बहस अच्छी बात है, चर्चा अच्छी बात है, लेकिन समझना जरूरी है गंभीरता क्या है। अगर आप कुछ किसी बात को सोचते हैं उसमें कितनी गंभीरता है, किसी बात को करते हैं उसमें कितनी गंभीरता है, और किसी बात को जब आप बोलते हैं तो उसकी गंभीरता के साथ साथ उसके असर को भी देखने की जरूरत है। योगी जी ने जो कहा बोलने में, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने सोचा, और जो उसका असर होगा, जो काम आगे होने वाला उसका असर कितना होगा, कितनी चुनौतियां होगी, इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मंदिर है और मंदिर रहेगा। मंदिर है और मंदिर रहेगा। ये 125 करोड़ का देश है, 100 करोड़ लोगों की मांग मुखर है। अध्यादेश लाओ, और अध्यादेश ला करके उसमें जो भी अवरोध है उन अवरोधों को दूर करो और शीघ्र राम मंदिर का निर्माण शुरू करो। तो चलिए कितना पॉलिटिकल इसे समझा जाए, या फिर वाकई में इस वक्त जो भी बयानबाजी हो रही है, चाहे किसी भी नेता की तरफ से हो रही हो, कोई पर्टिकुलर किसी एक नेता की बात ना करें, राम मंदिर के मसले पर बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग वक्त में कई तरह के बयान देते रहते हैं। इस वक्त जो 3 मेहमान हमारे साथ हैं इस पूरे मसले को लेकर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एक मिश्रा और रुकिए, अक्रम साहब रुकिए, दिनेश जी आप भी थोड़ा सा रुकेंगे, एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको आपको एक ऐसा नहीं लगता, एक आपको ऐसा नहीं लगता कि राम मंदिर के मसले को लेकर क्यों नहीं करी गई तुमसे? थोड़ा सा अक्रम जी रुकिए, क्यों बच्चे हमारे देश के? अक्रम जी थोड़ा सा रुकिए, राम मंदिर के मसले को लेकर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ से इस मसले को उलझाया गया, और ऐसा इस मसले को उलझाया गया कि बीजेपी के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आ चुकी हैं और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही? कांग्रेस ने कोई नहीं उलझाया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। मैं आपको बताऊं, जज निष्पक्ष हैं,
धर्म और सामाजिक मुद्दे, जाति पाति आज भी हमारे देश में सबसे बड़े चुनावी मुद्दा है और तुरंत चुनाव जीतने का सबसे सरल तरीका है। यही रीजन है कि चुनाव शुरू होने के पहले सारे धर्म, जाति पाति, सारे आंदोलन शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस का मैंने पहले ही बोला, ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था जो ये राम और राम मंदिर या पर्टिकुलर एक धर्म के अगेंस्ट चले गए। भाई सेकुलर तो आप भी हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है। वहां पे दिया था कि कुछ हलफनामा नहीं दिया, वहां पे कुछ नहीं दिया, राष्ट्र का एक मामला था। कोई राम के खिलाफ हलफनामा नहीं, कोई मंदिर के खिलाफ नहीं, कोई हलफनामा आपने देखा पड़ा उसको? कौन सी पार्टी ने कौन कहता है राम सेतु का इनकार किया, बताइए? शाहबानों के केस में राम सेतु में एक सबूत मौजूद है, इनकार कैसे करता? आप धर्म सापेक्ष हो कि धर्म निरपेक्ष हो, आप मुझे बताइए। क्या संविधान कहता है धर्म के मामले में, साहबानों के मामले में? सुप्रीम कोर्ट के साहबानों के केस में तीन तलाक पे क्यों फैसला बदल दिया? तीन तलाक पे जो धर्म निरपेक्षता संविधान कहता है उसी के अकॉर्डिंग काम हुआ है। सारी पार्टियां देखिए, इनको समझ में आता है कि सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है ना, उसको हलाल नहीं किया जाता है। बीजेपी इसमें ज्यादा माहिर है। वो राम मंदिर एक ऐसे ही मुद्दा है, दाना खिला खिला के चुनाव के टाइम पे अंडे लेने हैं तो वो अंडे लेने शुरू कर रही है। इनसे पूछे, चार साल में इन्होंने क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया? क्यों नहीं किसी नेता ने बोला वहां जाकर कि हाँ आज से मंदिर बनना शुरू होगा? अब साथ देखिए, राम ने कभी भी किंतु परंतु राम ने कभी नहीं किया। नहीं, ये लोग हमेशा किंतु परंतु, थोड़ा सा फैक्ट यहां पर सही करें जी, वो है कहा तो जा रहा है, बार बार तो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मैं वही बोल रहा हूं, बीजेपी की तरफ से तो बार बार कहा जा रहा है, बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब लेकिन चुनौतियां सामने आ चुकी है संतों की तरफ से। भले ही दिनेश जी कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं है, संतों के आशीर्वाद की जरूरत है, लेकिन 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 एक बात मुझे बताएं, मैं अक्रम साहब से ही पूछ लेता हूं। अक्रम साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस चाहती तो कब चाहती, अगर कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो राम मंदिर कब का बन गया होता? आप लोगों ने उलझाया इस देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मसले को उलझाया क्योंकि वोट डिसीजन लेगा, वोट बैंक का ध्रुवीकरण भूमि अधिग्रहण के मामले पे लेकर आए थे बिल, अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तब सुप्रीम कोर्ट का संविधान, वो मामले अलग है। यहां कोई विपक्ष में था के केस में, एट्रोसिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तब जाकर के यहां पे दूसरी पार्टी है, बाबरी एक्शन कमेटी है, यहां पर पुलिस सेंटर ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा, यहां पर उनका सुनेगा नहीं सुनेगा कि देश में संविधान और कानून है या नहीं, आप क्या समझते हैं अपने पर? सर मैं वही तो नहीं, आप बताइए, शाहबानों के केस है नहीं, शाहबानों के केस में आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन? शाहबानों का मामला एक वो अलग स्पेशल धर्म का था, उसमें दो धर्म इन्वॉल्व नहीं थे। मैं किसी भी धर्म की बात करूं, मैं किसी भी धर्म की बात करूं, सर आप लोग आखिर उनकी कोई मसला अलग है, आखिर उनकी कोई आस्था है? मसला थोड़ा अलग है, उनके भी धार्मिक स्थल है। एक मिनट अकरम जी, कहते अकरम जी हमारी पार्टी, अकरम जी थोड़ा सा रुकेंगे, एक काम करना है तो कोई टेंशन नहीं है। एक एक साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मसला वो अलग है, उसे इसको जोड़ के देखने की जरूरत है। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो कह रही है वो भारतीय जनमानस के हिसाब से तो है। आप भी तो एक ही कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, 100 करोड़ जनता भी तो कह रही है राम मंदिर बनना चाहिए, धर्म है, सारी पार्टियों लेकिन संकेत क्या है बीजेपी आखिर का? संकेत बड़ा क्लियर है सर, मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। राजनीति करना इनका धर्म है, इनके नेताओं ने सीना ठोक के बोला था, नितिन गडकरी जी ने, मुझे अच्छी लगी थी कि हम राजनीति में हैं तो चुनाव जीतने के लिए हैं, पक्ष विपक्ष सबका ये धर्म है, अच्छी चीज है। बिना पॉलिटिकल माइलेज लिए हुए राम मंदिर का मुद्दा ये नहीं सुलझाएंगे, आप देख लीजिएगा। तीन तलाक का भी मुद्दा ऐसे था, कैसे पहले गरम किया गया, पॉलिटिकल माइलेज लेना है ना, वोट लेना है ना। अब 4-6 महीने के बाद चुनाव है, अभी तो इसके बड़े स्टेप है। देखिए स्ट्रेटेजिक वे में ये सारे लोग कैसे करेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों, एक बोलेगा जी अब हम बनवाएंगे, अब ट्रैक्टर से ईंट आ गया, दूसरा जो है दूसरी पार्टी वो ट्रैक्टर को रोकेगी कि हम ये ईंट नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय को उनको खुश करके रखना है अपने वोट बैंक को, और इनको अपने समुदाय को खुश करके रखना है। तो बिना पॉलिटिकल माइलेज पूरा लिए हुए ये लोग इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं। चले ठीक है, कोई ना कोई चीज बीच में आता रहेगा। चले मैं तीन मेहमान इस वक्त हमारे साथ के मिश्रा जी पॉलिटिकल कंसल्टेंट, होना क्या है कि मुझे क्या मुझे लग रहा है बड़ी, कि ये बड़ी बड़ी मुझे लग रहा है कि बीजेपी नेताओं का कानून व्यवस्था में भरोसा का है। कहना है कि धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, विपक्ष का तो यही आरोप हमेशा से सारी पार्टियां, लेकिन होगा क्या? सारी पार्टियां निकल रही जो है हिंदू होगा कुछ नहीं, हिंदुत्व का शोषण कर रही है बीजेपी। देखिए मैं अगर बीजेपी के लिए बोलूं, ये बोलते हैं सर्वधर्म सम्मान, सारे लोगों की भावनाओं की हमें कदर करनी है, तो मेरा सवाल पहला है बीजेपी के मित्र से कि बाबरी मस्जिद गिराते हुए आपने क्यों दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया, तब भी आप ऐसे ही बातचीत करके कर लिए होते। कांग्रेस का अगर मैं देखूं और समाजवादी पार्टी का देखूं, ठीक है कोई आदमी जमा मस्जिद जा रहा है, टोपी पहन रहा है, कोई कहीं इमाम से फतवा ले रहा है, कोई राम को काल्पनिक बता, हर पार्टियां धर्म, देखिए अभी भी धर्म बड़ा जो है संवेदनशील मुद्दा है, आदमी और वोटर तुरंत घूम जाते हैं, बड़ा पावरफुल है।
बीजेपी के लिए मैं आपको बताऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए भेड़िया आया वाली बात हो जाए। पिछले साल से ये बोल रहे अब की बार हम राम मंदिर बनाएंगे, अब की बार बनाएंगे, चार महीने में बनाएंगे, दो केवल इलेक्शन के टाइम पे ये जोर पकड़ता है। ये टेस्ट करेंगे अभी, अगर इस मुद्दे में इनको जान लगती है तो ये इसको और तेजी से उछालेंगे, अगर जान नहीं लगती है, देखिए 6 महीने पहले क्यों किया, इलेक्शन के 2-3 महीने पहले अगर इनको रिस्पांस मिला, पब्लिक इनके साथ हो गई राम मंदिर पे, तब तो ये इनका इलेक्शन का मेन मुद्दा बन जाएगा, जैसे 3 तलाक बन गया था यूपी इलेक्शन में। अगर रिस्पांस नहीं आया, लेकिन एक ही बताएं, अगर राम मंदिर वहां पर बनना है तो फिर देरी क्यों? अगर कहा जा रहा है, अगर बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, योगी जी की तरफ से कहा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? राम मंदिर वहां बनना चाहिए, अगर देरी हो रही है तो उसी बात को तो दोहराने की, देरी नहीं होनी चाहिए, वहां पर राम मंदिर था, राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा। दिक्कत कुछ नहीं है, 50 ऐसे काम सारे नेताओं ने, पार्टियों ने इमीडिएट बेस पे डिसीजन लेके किया है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं नोटबंदी बता देता हूँ, विल पावर की बात है, दिक्कत सिर्फ एक है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है राम मंदिर, ये सब तो क्यों हलाल करें साहब, हर चुनाव में उससे मुझे अंडा निकलवाना है सोने का। ऐसे ही और दूसरे धर्म है, जातियां हैं, हर चुनाव में अंडा तो विजय का जो अंडा है ना, वो इसी सोने के मुर्गी से जो है वो निकलेगी। कामधेनु गाय को उसका दूध रोज पीना है सर, स्पेशली चुनाव के टाइम तो और पीना है। तो बस वही है कि अभी ये चुनावी मुद्दा शुरू हुआ है, अब देखिएगा कैसे कैसे होगा, क्या क्या चीज होगा। पूछ लेते हैं दिनेश जी, आपकी बात से कितना सहमत हैं? अक्रम साहब की बात से तो ठीक है नहीं सहमत होंगे, आप दोनों अलग अलग पार्टी है, दोनों की अपने अपने स्टैंड हो सकते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं जिस तरह से एक तरह से आरोपी हैं बीजेपी के ऊपर, सारी सरकारों के ऊपर, बीजेपी इस मसले को क्यों छोड़ना चाहेगी? दिनेश जी देर क्यों? दिनेश जी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि इस बार जो कहा जा रहा है, जो बयान दिया जा रहा है राम मंदिर को लेकर, क्या पूरी गंभीरता के साथ इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? चुनौतियों को देखते हुए इसके बाद आप लोगों ने ठान लिया है कि अब तारीख तो तय कर ही दिया जाएगा राम मंदिर निर्माण को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई स्टेटमेंट देती है जी, और हमारा स्टैंड गौरी शंकर जी कभी नहीं बदला है। देखिए लोगों का चश्मा है, जैसा गौरी शंकर जी आप चश्मा लगा लेंगे वैसे ही आपको दुनिया नजर आएगी। मिश्रा जी का कोई और चश्मा है, करम जी का कोई और चश्मा है, आपका कोई और चश्मा हो सकता है, हमारा कोई और चश्मा हो सकता है। हमारा चश्मा राजनीतिक चश्मा नहीं है, और इस देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव हमेशा चलता रहता है, तो क्या चुनाव चलता रहे तो राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ दिया जाए? सर मेन चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव कुछ और है सर, पार्टी के लिए राम मंदिर कभी भी चुनावी, आपके बीच में नहीं बोलता हूँ मिश्रा जी नहीं बोलता हूँ, बोलिए सिंह साहब, नाराज मत होइए, कभी भी राम मंदिर हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए आस्था का विषय है, और हमने ये काम किया, मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण रहेगा, अयोध्या रखा है, हमने वहाँ पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि राजा दशरथ के नाम पर होगा, वहाँ पर बनने वाले एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर होगा, और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज के नाम पर होगा। हमारी आस्था है, हम वो काम करते हमेशा कर रहे हैं, और हम जो काम करेंगे ना वो संवैधानिक दायरे में करेंगे। हमारे बाबरी मस्जिद क्यों नहीं किया सर संवैधानिक दायरे में? किसी भी धर्म के बाबरी मस्जिद ढहाना था तो संवैधानिक दायरे में क्यों नहीं आपने किया? जरा कोई पूछे तो बीजेपी से, अरे सर जवाब दीजिए ना, संवैधानिक दायरा क्या है मैं जानना चाहता हूँ। वो अलग मसला है, उस पर हम लोग नहीं जा रहे, इरादों की है सर, इरादों की है, संवैधानिक दायरे की बात है, राम मंदिर निर्माण को लेकर इरादे और बयान की बात कर रहे हैं। तो चले जाइए कल से बनवा लेंगे मंदिर, जब आप ना कर देंगे तो मैं जाऊंगा। मंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, और हमारी सरकार कोई भी काम करेगी संवैधानिक दायरे में करेगी। सारे साधु संत महात्माओं सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान राम का संविधान तो आप जला चुके हैं, आप ही के लोगों ने जंतर मंतर पे कहां संविधान को मानते हैं। कर्नाटक में जबरदस्ती सरकार बनाने चले थे, कौन सा संविधान था? गोवा में अभी आपकी सरकार गिर रही थी, बचाने के लिए 2 विधायक खड़े किए कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के, कौन से संविधान को माना आपने? कर लेंगे कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेंगे, और लोगों को पता नहीं होता है कि इनका हिंदू का गोत्र कौन सा है। जनेऊ धारण एक खानदानी पंडित है, वो इन्होंने कहना है, आप कैसे उनको उंगली उठा रहे हैं? तो मैं आपका वंशावली बता दूंगा, आप हिंदू धर्म का आचार्य दिनेश जी लग गया कहीं, अगर मैं ये बोला तो मैं आपका भी गोत्र बता दूंगा। ना तो आप राम को, एके मिश्रा पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर हमारे साथ यहाँ पर थे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया आप यहाँ पर आए।
गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मुद्दा, राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है और हमारी कोई मजबूरी नहीं है, वो हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए वो सांस्कृतिक धरोहर की बात है और सनातन धर्म के संरक्षण की बात है। हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं और गौरी शंकर जी, भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो खुलकर राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण की बात करती है जी। बाकी तो किसी दलों में नैतिक साहस नहीं है, कोई एक बार वो कहते कि अयोध्या में बनना क्या चाहिए, जरा सोच लीजिए। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि वहां पर राम मंदिर था, है और रहेगा, और अयोध्या के जन्म स्थल पर अगर कुछ बनेगा तो भव्य राम मंदिर का निर्माण ही होगा। इसलिए हमारी तरफ से कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। और दूसरा आपका सवाल ये था, आपने कहा कि मूर्ति एक भव्य मूर्ति बनेगी, उसका क्या मतलब है? सिर्फ उसका मतलब यह है गौरी शंकर जी, एक मूर्ति होती है पूजनी, पूजा के लिए, और एक मूर्ति होती है दर्शनी, हाँ स्मरणीय। तो अयोध्या जो है भगवान की जन्मभूमि है, जन्म स्थान है, तो वहां पर मंदिर के गर्भगृह में एक पूजनीय मूर्ति है, लेकिन उस अयोध्या को एक दर्शनीय पर्यटक रूप दिया जाए, इसके लिए मुझे लगता है एक भव्य मूर्ति अगर लगेगी तो वहां पर सोने पर सुहागा होगा। और गौरी शंकर जी, लोगों का अपने अपना देखने का चश्मा होता है। अभी हमारे पत्रकार बंधु बोल रहे थे, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, तो मुझे एक बार तो लगा कि कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है इस तरह से गुस्से में और खींच कर अपनी बात। सर मुझे हर पार्टी के लोग किसी पूछा जाते, चलो आप शांत रहिएगा, शांत रहिए, मैं सम्मान करता हूँ पत्रकारों का, बीच में बोलता नहीं। बोलिए 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 सर, अभी आप बैठे हैं स्टूडियो में, मुझसे पूछ लीजिएगा, हाँ जरा पूछिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी बेचैनी आपको है उतनी बेचैनी हम मुझे भी है, मैं भी चाहता हूँ कि आज से वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए, लेकिन कुछ अपनी मर्यादाएं हैं, कुछ अपनी संवैधानिक दायरा है, और माननीय योगी जी ने यही कहा और हम भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, वहां पर जल्द मंदिर का निर्माण होगा और संवैधानिक दायरे में होगा, और एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है जो वहां पर मंदिर का निर्माण कराएगी, बाकी तो किसी में नैतिक साहस ही नहीं है। ठीक है, नैतिक साहस की बात आप उठा रहे हैं दिनेश जी, बिल्कुल मुझे लगता है राम मंदिर के मसले पर बीजेपी जितना मुखर रही है या फिर आम जनमानस की भावना का भी थोड़ा सा यहाँ पर सवाल है, उस भावना को भी बीजेपी बिल्कुल समझ रही है। कांग्रेस अपने रास्ते पे, एक मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर आप बात करें, मैं भी दिनेश जी की तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि योगी जी का कोई वर्जन है तो गलत तरीके से लेने की जरूरत है, आप उनके संकेत को समझाएं। मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे गौरी शंकर जी, मैं तो फैक्ट बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं कि फैक्ट क्या है, अभी हमारे फैक्ट क्या है, अगर 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 इस मुद्दे को कांग्रेस उठाती तो कैसे उठाती, बीजेपी उठा रही है तो कैसे उठा रही है, और आम जनमानस की भावना क्या है राम मंदिर को लेकर, राम मूर्ति को लेकर, अभी तो बता दें कि कांग्रेस ने, ये कांग्रेस का स्ट्रेटजिक ब्लंडर है। मैं बोलता हूं राम मंदिर का ताला खुलवाया था तो राजीव गांधी जी के टाइम पे खुला था, ऐसा पहले ऐसा नहीं था कि ये लोग इतने विरोधी थे, अभी ये लोग इतने विरोधी हो गए। एक इंपल्स रिएक्शन होता है कि बीजेपी जब इस मुद्दे को हड़पने लगी तो कांग्रेस वालों ने एक ऑटोमेटिक नेचर वाइज जो है अपने राइवल का विरोध करने लगे, और विरोध करते करते वो इस लेवल पे पहुंच गए कि अब उसको वो वापस ले नहीं सकते हैं। पास्ट में इन्होंने इतना कुछ बोल दिया है राम के अगेंस्ट में, हलफनामा दायर कोई राम के अगेंस्ट नहीं बोला है, वो सब बकवास है, कोई हलफनामा ऐसा नहीं है। कादरी सर एक मिनट, आप बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ राम के अगेंस्ट कोई नहीं बोला, राम के नाम पे पाखंड करने वालों के अगेंस्ट बोला है। आप कितना संविधान में विश्वास रखते हैं मैं बताता हूँ, जब इन नेताओं को अपनी सैलरी बढ़वानी होती है तो तालियों की गड़गड़ाहट से 10 मिनट में बिल पास हो जाता है। साहबानों के केस में राजीव गांधी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलते हुए बिल पास वो संविधान के दायरे में ही था ना, संसद के अंदर हुआ ना। सुनिए, अभी मोदी साहब के गवर्नमेंट में जब ये एट्रोसिटी वाला ये एक्ट चला था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को धता बताते हुए तुरंत बिल ले आए एक हफ्ते के भीतर। मैं बोलता हूँ सर, आपकी आस्था है राम में, जो मेरे बीजेपी के मित्र बैठे हैं, कैसी आस्था सर? राम ने भी ये बोला था कि इस दुनिया में तीन तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो केवल बोलते हैं, दूसरे होते हैं जो करते हैं, तो मुझे लगता है आप लोग केवल बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। अरे तीसरा टाइप बता दीजिए ना, दो बताया आपने, तीसरा क्या है? पहले ये है कि एक है जो केवल सोचते हैं, दूसरा है जो बोलते हैं, तीसरा है जो बोलते हैं लेकिन वो करते भी हैं। आप सोचते हैं अच्छी बात है, आप बोलते हैं आपको नमन है इसके लिए आपकी पार्टी को, बोलिए बोलिए सर, कब करोगे? बोलिए आप
कब करोगे सर ये बताइए, दाई से पेट मत छुपाइए सर, आप बैठे हो और मैं आपको बताऊंगा कि संवैधानिक दायरे में आप कैसे आप फंस रहे हो कि आप पब्लिक को फंसा रहे हो वोट के लिए। दिनेश जी बोलिए आप। संविधान का चादर मत ओढ़िए सर आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ जरा सुनिए, आप सुनिए अपने पत्रकारिता पे, जरा आप सुन लीजिए। बताइए बताइए। मैं आपके पास नहीं बैठा हूँ, दूर है, आपको देख नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ देखिए पहले व्यक्ति का कोई भी काम आप करने चलते हैं तो सबसे पहले वो आपके भाव में ही आता है। सबसे पहले भाव है, जो आपने तीन बातें बताई उसका रूप मैं आपको बताता हूँ। पहले वो आपके भाव में आता है, फिर वो भाव आपके विचार में आता है, फिर विचार वो आपके कर्म में आता है। भारतीय जनता पार्टी के भाव में है, भारतीय जनता पार्टी के विचार में है और भारतीय जनता पार्टी के कर्म में है। अभी कर्म में नहीं है सर, कर्म में अभी तक आपने नहीं उतारा है, आपने कर्म में नहीं उतारा है, केवल दो लेवल तक आप पहुंचे हैं। मैं कह रहा हूं चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए, मैंने कहा बिल्कुल चुप रहिए। आपकी गलत बात सुन ले, अपने समय पर आपकी गलत बात सुन ले, हम मैं आपको पूरा सुनता हूँ। नहीं आप बीच में नहीं टोकेंगे। अच्छा बोलिए, बीच में नहीं टोकेंगे, बोलिए 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 बोलिए, जितना आरोप लगा बोलिए सर, बोलिए। आरोप नहीं, मैं आपको लॉजिक दूंगा, बोलिए।